तो वहीं आरटीडीसी के नवनियुक्त चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का पावटा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पावटा कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा और पूर्व जिला पार्षद जगदीश मीणा समेत कांग्रेस के कई और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आरटीडीसी की बंद पड़ी यूनिट को दोबारा बेहतरीन ढंग से चालू किया जाएगा और साथ ही यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी और साथ ही साथ विभिन्न स्थानों पर आरटीडीसी की मोटेल और यात्री सुविधा केंद्र जो बंद पड़े हैं उन्हें भी बेहतर ढंग से यात्री सुविधाओं के लिए तैयार किया जाएगा। सी का जो गौरव है, जो वैभव है, वो वापस लौटेगा। आरटीडीसी की होटल है, आरटीडीसी की मोटल है, मिडवे है, आरटीडीसी की नौकायन है, आरटीडीसी की शाही रेलगाड़ी है। आपको ये बताऊं कि पूरी दुनिया में पैलेस ऑन व्हील, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में इसका नाम है। कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है, पैलेस ऑन व्हील शुरुआत हो रही है सेप्टेम्बर में, उससे पहले 50% से ज़्यादा बुकिंग आ चुकी है। आपको पता है आरटीडीसी देश की सबसे महंगी ट्रेनों में आती है, तो इसका मतलब है कि हमारे राजस्थान में टूरिज्म का और इसका जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, इसको और अच्छी करें।